अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सुबह सुबह जो हम काम करते हैं वो भी आप लोगों से शेयर करते हैं। और सुबह सुबह आज मैं उठी हूँ, सबसे पहले ना मैंने अम्मी जान और अब्बू जान को उठाया है, वो नमाज़ पढ़ी है, मैंने खुद भी नमाज़ पढ़ी है और मैंने जानवरों की जगह भी साफ़ किया है और मैंने किचन भी साफ़ किया है। तो मैंने कहा जाकर लकड़ियाँ उठा के आती हूँ। तो सुबह सुबह की रूटीन यही होती है, फिर नाश्ता भी बनाना है भाभी के लिए, अब्बू जान के लिए, अम्मी जान के लिए, सब के लिए नाश्ता बनाएंगे मिलके, तो वो भी आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी मैं लकड़ियाँ उठाने आई हूँ। सूरज तो कब का निकला है, मुझे लगता है हल्के हल्के बादल आए हुए हैं ना आगे, इसलिए। तो अभी मैंने लकड़ियाँ बना ली है, अब चलते हैं किचन में। किचन में जाके नाश्ता अम्मी अब्बू के साथ बनाते हैं। तो मैं किचन में पहुँच आई हूँ, मैंने पहले किचन को अच्छी तरीके से साफ कर लिया था, अब मैंने लकड़ियाँ भी रख ली हैं। जैसे अम्मी अब्बू कुरान पाक पढ़ के आ जाएंगे सब किचन में, तो बैठ के नाश्ता भी बनाएंगे फैमिली के साथ, खाते हैं हम तो फैमिली, भाभी भी आ जाएगी और अम्मी अबू भी आ जाएंगे तो मिलके। चलो मैं चलती हूँ, पहले बिस्तरों को ज़रा सही कर देती हूँ क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा नमी पड़ती है ना, वो गीले हो जाते हैं जैसे ही धूप। मैंने बिस्तर सीधे करके रख दिए हैं क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा नमी होती है रात को, इसलिए हम बिस्तरे अभी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि रात को ना थोड़ी बातें ठंड हो जाती है। और मैंने इसलिए इन्हें सीधा करके रख दिया है, जैसे धूप निकलेगी तो ये सूख जाएंगे, तो फिर इन्हें उठा के अंदर रख दूँगी। तो आज की जो सुबह सुबह की रूटीन है वो मैंने आप लोगों से शेयर की है, तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो मेरे प्यारे बहन भाई हैं मैं सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि वो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला उन्हें ढेर सारी खुशियाँ दे और अपनी फैमिली के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। एक अच्छे वीलोग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।